मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा का जो सियासी रण था वो पूरा हो चुका है। मतदाताओं को रिझाने के लिए इस बार पार्टियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसके साथ ही दावों को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। जीत को लेकर किसके दावे में कितना दम, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा के सियासी मैदान में इस बार पार्टियों ने जमीनी स्तर पर जमकर मेहनत की है। जिसने भी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचा दिया वो बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगा। बीजेपी का कहना है कि वो इस बार जीत का नया रिकॉर्ड बनाएगी। बीजेपी का दावा है कि 8 से 10 फीसदी वोटिंग परसेंट बढ़ाने के साथ ही हम सभी 29 सीटें जीतेंगे। इधर कांग्रेस का कहना है कि इस बार हमने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है और इस बार बीजेपी की जीत आसान नहीं होगी। हमने नीचे तक कार्यकर्ता को जो सूचनाएं दी उस सूचनाओं पर कार्यकर्ता ने काम किया, हमारे बूथ के स्ट्रक्चर ने काम किया और लोगों को जैसे जागरण करके उठाना, सवेरे 4 बजे से सबको उठाना, अधिकतम मतदान करवाना और मतदान के साथ हमको एक बात सुनिश्चित हो जाती है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो अगाध प्रेम जनता का है वो वोट में तब्दील होगा और निश्चित रूप से पिछली बार हम 28 सीटें जीते थे, इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे छिंदवाड़ा सहित। देखिए जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो तो जीत का दावा करेगी ही, लेकिन हम आज की तारीख में केवल इतना कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत शक्ति और क्षमताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया और हम ये इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर परिणाम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए आएंगे। चुनावों की शुरुआत से ही जीत को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। मतदान खत्म होने के बाद अब दावों की रफ्तार में और तेजी आएगी। दावे दोनों तरफ से जमकर बरस रहे हैं। किसके दावों में कितना दम है ये तो 4 जून के नतीजे ही तय करेंगे। रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।